अगर आप भी घर बैठे बैठे खाना मंगवाते हैं और ऑनलाइन फूड डिलीवरी सेवा का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपको सावधान कर देगी। दरअसल दिल्ली में अब एक नए तरीके का फ्रॉड देखने को मिला है। नॉर्थ दिल्ली में रहने वाले एक शख्स को ऑनलाइन डोसा मंगवाना काफी महंगा पड़ गया। डिस्काउंट के चक्कर में 50 रुपए का डोसा 1,15,000 का पड़ गया। पूरा मामला क्या है आप आगे देखिए। रामकिशोर जैन परिवार के साथ सेक्टर 5 में रहते हैं। रोहिणी सेक्टर 7 में उनकी शॉप है। लंच के वक्त उन्हें डोसा खाने का मन हुआ। उन्होंने ऑनलाइन सर्च करना शुरू कर दिया। तभी फेसबुक पर उन्हें डोसा को बुक नाउ का ऑप्शन मिला था। खास बात ये थी कि उसमें एक डोसे के साथ 2 डोसे फ्री थे। क्लिक करने पर कॉल का ऑप्शन आया, उसके बाद एक लिंक आई, मोबाइल पर एक्सेप्ट कर लिया। उसके पास एक अकाउंट की डिटेल भरने के लिए ऑप्शन आया। उसके बाद रामकिशोर जी के मोबाइल पर जो मैसेज आया उसे देखकर उनके होश उड़ गए। दरअसल अकाउंट से 50 रुपए की जगह 50,000 कट गए। जैसे ही कारोबारी ने उस नंबर पर कॉल किया, उसने रेस्टोरेंट का सेल्स एग्जीक्यूटिव बनकर भरोसा दिया कि पैसे वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे, लेकिन बजाय आने के अकाउंट से पैसे निकलते रहे। रामकिशोर जी के अकाउंट से कुल 1,25,000 रुपए निकल गए। इस बाबत में उन्होंने रेस्टोरेंट जाकर कंप्लेंट की। उन्होंने ये कहकर पल्ला झाड़ दिया कि उनकी फेसबुक आईडी हैक है। इस बारे में उन्होंने पुलिस को कंप्लेंट की हुई है। वही ठगी का शिकार बने कारोबारी ने रोहिणी पुलिस थाने में केस दर्ज करवाया है। ब्यूरो रिपोर्ट दिल्ली तक।